बहुत एक्साइटेड हूँ. पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ इस बार न्यू ईयर्स पे कंट्री क्लब के लिए बैंगलोर में. बैंगलोर शहर से वैसे ही मेरी बहुत याद है, बहुत अच्छा शहर है और इंडिया में परफॉर्म करने का चांस मिल रहा है. कंट्री क्लब की परफॉर्मेंसेज हमेशा फेमस होती है धूम धड़ाके के साथ, तो बस यही रहेगा काम इस बार. तो आपने कहा कि आप पहली बार परफॉर्म कर रही हैं, तो 31st पर इससे पहले क्या करती थी आमतौर पर? छुट्टी फैमिली के साथ, हॉलीडेज, ज्यादातर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. बट इस बार फर्स्ट को मैं जा रही हूँ घर वापस दिल्ली. तो क्या पहली बार ऐसा मौका होगा जब आप सेलिब्रेशन के दिन पूरा परफॉर्म कर रही हैं? नहीं, लास्ट ईयर अपने बर्थडे पे काम कर रही थी, उससे पहले अपने बर्थडे पे काम कर रही थी, इस बार अपने बर्थडे पे मैंने काम किया है. तो सेलिब्रेशन तो होते रहते हैं, बट ठीक है, आई थिंक हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही होता है कि हमें देखने लोग आ रहे हैं. आई मीन उससे ज्यादा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? किस तरह के गाने होंगे, क्या चूज कर रहे हैं? अभी तक खैर हमने स्टार्ट नहीं किया है, बट आई थिंक जो भी 2014 के धूम धड़ाके वाले हिट सॉन्ग्स रहे हैं एंड ऑफ कोर्स मेरे सॉन्ग्स मिला के. हमारी रिहर्सल स्टार्ट हो गई है, बट मैं अभी गाने नहीं बता सकती. मगर हाँ, जैसे मैंने बोला, सब 2014 के हमने हिट्स सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि दो एक्स है. तो लकी हूँ कि कोरियोग्राफर भी हमारे बहुत अच्छे रहे हैं एंड अच्छा लंबा परफॉर्मेंस है. एक एक मिनट 14 एक एक एक्ट 14 मिनट्स का है, तो काफी कुछ करने को मिलेगा. जी, भारत रत्न मिला है, बहुत अच्छी बात हुई है. एंड अटल जी ग्रैंडफादर, मेरे नाना और अटल जी रूममेट्स थे, तो मादर और मेरी मासी वगैरह जो है वो सब उन्हें मामा जी बुलाते हैं. तो हम लोगों के लिए खासकर आई मीन एक सेलिब्रेशन. ऑफकोर्स मैं उन्हें एक ही बार मिली हूँ लाइफ में, बट सेलिब्रेशन का एक है. एंड आई थिंक अटल जी की टाइम चल भी रहा था, आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाइम एंड ही रियली डिड वेल फॉर द कंट्री. तो बहुत ही खुशी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू अटल जी. नहीं, ऐसे टाइम नहीं बिताया. मतलब जैसे मैंने कहा कि वो दोस्त हैं, मेरी नाना जी के दोस्त थे, तो मैं उन्हें एक ही बार मिली हूँ. बट ऑफकोर्स जब मैं उन्हें मिली तब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो आई थिंक इतनी छोटी थी मैं कि उससे बड़ा हाई नहीं हो सकता कि आप, और आपको समझ भी नहीं आता कि आप क्या, मतलब आपको बस इतना पता है कि आप देश के सबसे पावरफुल इंसान से मिल रहे हैं उस टाइम पे. या मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं रखती, हर कोई रेजोल्यूशन मैं हर साल से रखती थी. बचपन से ये होता था नेक्स्ट ईयर बेटर पढ़ूंगी, कभी बेटर नहीं पढ़ी, और अच्छा खेलूंगी, उससे अच्छा क्या खेलती, यू नो, अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा. जब से बड़े हुए एक्टर बने, कम खाएंगे पतले रहेंगे वो कभी हो ही नहीं सकता. आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अब ज्यादा खाते और ज्यादा वर्कआउट करता है. तो आई थिंक बस यही कि आई मीन यही चाहूंगी कि बस खुश रहूं, जैसे हर साल मैं यही चाहती हूँ. और थैंक यू आई थिंक भगवान को कि जो भी मिला इस बार. Anisha, do you think that there is some similarity or difference while performing on a stage or shooting for a dance sequence in a movie like this? ऑफकोर्स डिफरेंस होता है. जब आप फिल्म में शूट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स घंटे हमारे बहुत जाते हैं. आप शूट कर रहे होते हैं 14 से 16 घंटे एंड आपको रीटेक्स मिलते हैं. परफॉर्मेंस में आपको रीटेक्स नहीं मिलते, तो परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अरे आप ये मिस ना हो जाए. हाय, दिस इज ईशा गुप्ता एंड विशिंग ऑल द व्यूअर्स वेरी हैप्पी न्यू ईयर. नए साल की आप सबको मुबारक. थैंक यू. Thank you. How are you? Very good. Happy New Year. Thank you. Thank you. Best of luck for your performance. Thank you so much. Hi, this is Isha Gupta and wishing all the viewers or what? What am I saying? Hi, this is Isha Gupta and wishing all the members of Country Club a very happy new year. Thank you. Thank you.
रोड